हाय व्यूवर्स, वेलकम टू एमसीबीस चैनल। आज हम ट्रायंगल शेप का एक न्यू मेथड के साथ एक कुछ डिज़ाइन बताएंगे। उसके लिए मैंने ये 75 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है, 10 स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड लिया है और 4 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है। ये स्मॉल साइज के बेल्स लिए हैं, इसे घुंघरू भी कहते हैं। स्मॉल साइज के बीड्स लिए हैं और उसके साथ ये सिंगल होल के रिंग बीड्स लिए हैं। ये डिज़ाइन किसी भी फैंसी साड़ीज पे, सिल्क साड़ीज पे सूट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये मैंने 1 इंच के डिस्टेंस पे मार्क कर लिया है। सबसे पहले कॉटन थ्रेड लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉट डाल लिया है और इस नीडल में 3 बेल्स डालेंगे। उसके बाद इस नॉट में से नीडल को पास करके इसे फिक्स कर लेंगे। जहाँ पे हमने मार्क किया है उसके बिल्कुल एज को स्टिच करेंगे। इसे स्टिच करने के बाद ये सिंगल होल रिंग्स लेंगे। इसे बिल्कुल इस बेल्स के नज़दीक रख के स्टिच करना है। अब एक बीड लेंगे। और इस सिंगल होल बीड में से इसे पास करके इसे फिक्स कर लेंगे। पीछे से नॉट डालना है। और उसके बाद एक सिंगल होल बीड लेंगे। ये बीड डाल के इस सिंगल होल बीड को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद नीडल को पास कर लेंगे। फिर 3 बेल्स लेंगे। इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। अब नीडल को रॉन्ग साइड लेके इन दोनों बीड्स के मिडिल से लेना है। उसके बाद एक सिंगल होल बीड लेंगे और एक छोटा सा बीड लेंगे। इन दोनों को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद इसे रॉन्ग साइड स्टिच करना है, नॉट डालेंगे। ये मार्क छोड़ के यहाँ पे फिर से बीड्स डालेंगे। तीन बेल्स लेके इसे नॉट में पास करके इसे फिक्स कर लेंगे। इसे स्टिच करने के बाद
ये सिंगल होल रिंग लेंगे, इस तरह से रख के स्टिच करेंगे। इस बीड को डाल के इस रिंग को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद एक रिंग लेना है, इन दोनों इसे इस तरह यहाँ पे स्टिच करेंगे। नीडल को इस एज में से पास करके अभी यहाँ पे तीन बेल्स डालेंगे। इस तरह से स्टिच करके नीडल को रॉन्ग साइड से इन दोनों के बीड्स के ऊपर लाएंगे। एक सिंगल होल बीड और एक स्मॉल बीड दोनों लेके अभी यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। अब इसे यहाँ पे नॉट डाल के धागा कट कर लेंगे। इन बीड्स को स्टिच कर दिया है। इन मार्क पे टेजल्स बनाएंगे। इसी तरह के ट्रायंगल शेप में मैंने और भी कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं, उन्हें ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब ये जरी थ्रेड को कट करके इस सिल्क थ्रेड भी कट कर लेंगे। अब ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियोस में इसी तरह के नए डिज़ाइंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।